बीजेपी में बदलाव के बाद पार्टी में सियासी उथल पुथल मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को भी बदलने की सियासी चर्चाएं तेज हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। ऐसे में अब इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह है उसे दबाने के लिए इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह और कृष्णमूर्ति बांधी के नामों को लेकर राजनीतिक माहौल बना हुआ है। चर्चा तो इस बात की भी है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक बड़े चेहरे को राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो वहीं विष्णुदेव साय को संगठन में राष्ट्रीय पद या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस हलचल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने सभी वर्ग को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम, युवाओं को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, सरकारी कर्मचारियों को ठगने का काम, सबको ठगने का काम किया है, और छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को साथ लेकर चलेंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बिलासपुर संभाग से हैं, बिलासपुर जिले से हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। वो शिक्षित हैं, वो एडवोकेट हैं और वो शुरुआत से विचारों से जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और तेजी से संगठित होगी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होगी। बहरहाल चुनाव के 1.5 साल पहले बीजेपी में इस बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा ये तो नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने नई टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब देखना होगा कि इस नई टीम का सामना कांग्रेस कैसे करती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में आखिर इतनी खलबली क्यों है? क्या चुनाव इसी साल होने वाले हैं? अचानक इतनी खलबली, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, रातों रात नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक दिल्ली पहुंच जाते हैं, हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, या अचानक अजय जामवाल के आने के बाद पूरे समीकरण बदल गए? वो समीकरण जो 3.5 साल से बहुत अच्छे चल रहे थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दावा है, अचानक ये समीकरण में दिक्कत क्या होने लगी? क्यों नेता प्रतिपक्ष को बदलने की कवायद शुरू हो गई? प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का अचानक बनाना पड़ा। वो अरुण साव जो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले अरुण साव को कोई जानता नहीं था, कोई बड़ा पब्लिक फिगर है नहीं। 3.5 साल में, 3 साल हो गया अभी लोकसभा चुनाव हुए, कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है कि 3 साल में उन्होंने बिलासपुर की जनता के लिए या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत कुछ लोकसभा में किया हो। फिर अचानक इतनी खलबली क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी में? 2023 के चुनाव में अभी काफी लंबा समय का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ओबीसी चेहरा, एक ओबीसी चेहरा आपने अरुण साव के तौर पर दिया साहू समाज से, दूसरा चेहरा जो है वो आप ओबीसी आपके पास है, मतलब साफ है, या तो आप सामान्य वर्ग से देंगे, क्योंकि आदिवासी में केवल 2 ही आपके पास विधायक हैं, एक तो ननकी राम कंवर, दूसरे डमरूधर पुजारी। तो फिलहाल स्थिति यही नजर आ रही, कोई ना कोई सामान्य वर्ग से आप जो है नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है, जिस प्रकार से जेपी नड्डा से धर्मलाल कौशिक की मुलाकात हुई है, वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, वो तस्वीरें बदलाव की आहट की संकेत भी दे रही है। तो नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, आखिर बीजेपी में नई जमावट है या बीजेपी में खलबली मचने जा रही है? क्योंकि खलबली इसलिए भी है, 15 साल लगातार शासन में रही भारतीय जनता पार्टी और 15 सीटों पर सिमट गई। अब 3.5 साल बाद अजय जामवाल के आने के बाद जो कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में बदलाव नजर आ रहा है। ये बदलाव की अपेक्षा कार्यकर्ता भी कर रहा था, ये बदलाव की अपेक्षा सेकंड पार्टी के लीडर्स भी कर रहे थे, क्योंकि वही
नेता, वही लोग जिनके सहारे 2018 का चुनाव लड़ाया गया था, वही नेता जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी इतने कम सीटों पर सिमट गई, अब क्या वही जिम्मेदारी संभालते? तो ये कार्यकर्ताओं के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है कि बदलाव शुरू हो गया है और कांग्रेस की छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया की लड़ाई अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अरुण साव भी छत्तीसगढ़िया है, बिलासपुर से है, बुंगेली के पास उनका घर है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई भी कांग्रेस की कमजोर होती हुई नजर आ रही। तो कांग्रेस के लिए क्या एक बड़ा चैलेंज होगा? लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी कोई सशक्त नेता भारतीय जनता पार्टी देना जा रही है और निश्चित तौर पर 2023 की टीम नए सिरे से तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चंद्राकर साहब के पास ही चलता हूं। चंद्राकर साहब जी, अचानक खलबली क्यों है? प्रदेश अध्यक्ष एक दिन पहले आपने बदला, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम को 5:30 बजे के आसपास यहां से टेक ऑफ होने वाले थे धरमलाल कौशिक जी, वो तो अचानक जो है फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई बारिश के चलते, नहीं तो 7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाते, फिर भी अचानक रात में 10:30-11 बजे वो दिल्ली पहुंचे। ये खलबली क्यों है? क्या ये सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का कि आप आइए, वहां पर आपको समझाया जाएगा, उसके बाद वहां जाकर आपको बता दिया जाएगा कि अब आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, अब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं, क्योंकि विष्णुदेव साय को भी इसी तरह से बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी 2023 की अपनी नई टीम तैयार कर रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है, छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया की लड़ाई में कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या छत्तीसगढ़िया चेहरे को देकर एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि इस लड़ाई में हम भी बराबर के हाथ करने के लिए तैयार है? अजय जी, देखिए आदित्य जी, काफी दिलचस्प हो गया है भारतीय जनता पार्टी जो अब डिसीजन ले रही है। पहली बात तो यह है कि समय समय पर संगठन लेवल पर सभी पार्टियां अपना पुराने चेहरे को हटाती, नए चेहरे को अवसर देती हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया, आदिवासी भाई भी लोग जो थे प्रदेश अध्यक्ष रहे, और बीजेपी अधिकांश समय आदिवासियों को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, वो लोग भी छत्तीसगढ़ के हैं, अरुण साव जी भी छत्तीसगढ़ के हैं, और भूपेश जी भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो यहाँ पर ये गैर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ियावाद शायद स्टेबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि धर्मलाल कौशिक जी का क्या उसे कहीं का गवर्नर बना रहे हैं, या कोई सेंट्रल लेवल में या फिर अन्य कहीं कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं? क्योंकि अब जो विधानसभा का सत्र, मैक्सिमम 3 सत्र होना है, एक शीतकालीन सत्र होगा, दूसरा बजट सत्र होगा, और तीसरा मानसून सत्र रहेगा। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर उनको हटा करके कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें निश्चित रूप से अपने कार्यकाल को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। रही बात संगठन लेवल पर अरुण साव जी का, तो ठीक है वो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोकसभा में जो जिस तरह से वो अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं, उनसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उनके सामने रहेगी। और ये कहना कि एक पर्टिकुलर समाज वो सिर्फ एक ही पार्टी से संबंधित रहा है, ऐसा नहीं है। वोटिंग बिहेवियर आप पूरा यहाँ का, जब से हम मध्य प्रदेश से अलग हुए या फिर मध्य प्रदेश में थे उस समय से वोटिंग बिहेवियर देखिएगा, तो ये जो मतदाता हैं वो अब सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कौन सा निर्णय किस पार्टी का उनके स्वहित के लिए उचित है यह सोच समझ करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी परिपक्वता के साथ सीनियरों को साथ में लेकर के, इसके अलावा कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की उनको महती जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नीतियों को वो जो अनुकूल समझते हैं छत्तीसगढ़ में रखने लायक है उनको दमदारी के साथ रखना है। साथ ही साथ उनको ये लगता है, जैसा उनका बाइट चल रहा था छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ नाकामियों को रख रहे थे, तो जनता के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये बड़ी चुनौती है, और पूरी पार्टी की भावना के साथ उनके साथ। चंद्राकर साहब, ये तो तय है कि बिलासपुर संभाग से दो बड़े नेता नहीं रह सकते, ये भी तय है ओबीसी समुदाय को दोनों बड़े पद नहीं दिए जा सकते, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि छटपटाहट इसीलिए नेता प्रतिपक्ष अचानक जेपी नड्डा से मिलने नहीं गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत हुई होगी, या तो उन्हें बुलाया गया होगा या वो समय लेके गए होंगे, जो भी बात हुई हो, लेकिन बेहद साफ है दो बड़े चेहरे ओबीसी वर्ग से नहीं हो सकते। शिवरतन शर्मा का नाम बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं
कोई बड़ी बात नहीं कि रमन सिंह को फिर से नेता प्रतिपक्ष बना लिया जाए। सौरभ सिंह का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है, तो ये साफ माना तो यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही, क्योंकि पीछे की राजनीति यही बताती है जो जानकार मानते हैं कि रमन सिंह का कद अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कम तो नहीं हुआ है जी, क्योंकि साव जो है वो निश्चित तौर पर कोई माने या ना माने, ये निश्चित तौर पर रमन सिंह के खेमे के ही माने जाते हैं अरुण साव। तो क्या ये माना जाए कि एक ब्राह्मण चेहरा शिवरतन शर्मा के रूप में या एक सामान्य वर्ग से, क्योंकि शिवरतन शर्मा जी सामान्य वर्ग से, बृजमोहन अग्रवाल या कोई ऐसा चेहरा जो सामान्य वर्ग से हो, उनको एक बड़ा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी दे सकती, क्योंकि दोनों है एक ही समुदाय के कभी नहीं रहे। आप 2003 से लेकर या 2000 से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर 22 साल तक का सफर देख लीजिए आप, या एक आदिवासी या तो एक ओबीसी, ये पर्टिकुलर ये सिस्टम फॉलो हर दोनों पार्टियां लगातार करते आ रही हैं। बिल्कुल, नए नेता प्रतिपक्ष देते हैं तो उनके पास परफॉर्म करने की का अवसर बहुत कम है, और अगर धर्मलाल कौशिक जी को भी अगर उसका आकलन करना है तो स्पीकर भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत लंबा उनका करियर है, उनको कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के समकक्ष कोई पद अगर बीजेपी देती है तो एक सामंजस्य बन पाएगा। ये भी सच है कि दोनों ओबीसी वर्ग से, लेकिन ओबीसी वर्ग की राजनीति जैसे पूरे भारत में चल रही है तो उस हिसाब से एक तेली समाज को बिलोंग करते हैं, एक कुर्मी समाज को बिलोंग करते हैं, और कुर्मी समाज से वर्तमान समय में जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष का सफर तय करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तो हो सकता है कुर्मी समाज को भी बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी और धर्मलाल कौशिक जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती। बड़ी जिम्मेदारी बची क्या, चलिए केदार जी से पूछ लेता हूँ। केदार जी, खलबली क्यों है इतनी अचानक जो है, अभी तो 1.5 साल का वक्त है, नेता प्रतिपक्ष के पास जैसा कि अजय जी ने बताया बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक शीतकालीन सत्र आप मान लीजिए, उसके बाद बजट सत्र मान लीजिए, और मानसून सत्र के समय तो वैसे भी दोनों ही पार्टियां केवल चुनावी मोड पर आएंगी, बहुत ज्यादा कुछ काम उस समय होना भी नहीं है। ये अचानक खलबली, अजय जम्वाल जी आते हैं, वहां जाते हैं, नए प्रवक्ताओं की लिस्ट आ जाती है, फिर एक दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है, फिर नेता प्रतिपक्ष दिल्ली पहुंच जाते हैं, ये चल क्या आ रहा है केदार जी, समझ में नहीं आ रहा, आम जनता जानना चाह रही कि खलबली क्यों है इतनी। आपका जो शब्द है खलबली, ये निश्चित रूप से अन्य राजनीतिक पार्टी के लिए हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी जागरूक पार्टी है, संवेदनशील पार्टी है, समय को पहचानती है और समय के हिसाब से तत्काल निर्णय करती है। तो ये जो निर्णय हो रहे हैं ये जागरूकता के आधार पर, कोई खलबली नहीं है। खलबली तो कांग्रेस पार्टी में है कि पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप 3.5 साल का ब्यौरा निकाल के देखेंगे तो कितने दिन दिल्ली में रहना पड़ता है, अभी फिर दिल्ली में गए थे, 2.5 साल का हिसाब होना बाकी है। टीएस सिंहदेव जी ने एक विभाग से रिजाइन कर दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख मकान उनके पत्र में है, पर 11 लाख मकान जो यहां गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने थे वो नहीं मिले। क्या ये मकान छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए नहीं थे क्या? तो कहां कैसे कहा जा सकता है ये सरकार छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए काम कर रही है? तो निश्चित रूप से जो खलबली है, जो आपने शब्द दिया, कांग्रेस पार्टी में वो सत्ता में है और बड़े बेचैन है। आप देखें तो जब राज्यसभा की बात आई थी चुनाव की, उस समय विधानसभा अध्यक्ष महंत जी भी कहते थे कि मुझे राज्यसभा में जाना है और आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से विधानसभा के अध्यक्ष हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी हो, चाहे धनेंद्र साहू जी हो, ये वरिष्ठ लोग, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहचान, मैं कहूंगा विशेषकर माननीय सत्यनारायण जी शर्मा और महंत जी, ये तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लीडरशिप, मेन लीडरशिप है, ये सारे लोग नाराज है और खाली एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, बस 10 जनपद को संतुष्ट करो और आगे का काम करो, 2.5 साल का बंटवारा था कर देना था। दूसरी बात साहू समाज की मैं करूंगा, हमने तो उस समय सुना था कि ताम्रध्वज साहू जी मुख्यमंत्री घोषित हो गए, उनके घर में तो सिक्योरिटी लग गई थी, फिर अचानक ये 2 लिफाफे का खेल हुआ और बदल गया, तो किसी समाज के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। और आप देखिए आज इतना अत्याचार हो रहा है, इतने अपराध बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में तो हम सब देख रहे हैं, रोज समाचार पत्र अपराधों से भरे पड़े हुए, चाकू मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, अरे क्या क्या नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी ताम्रध्वज साहू जी को क्या ये पावर नहीं है कि वह SP कलेक्टर कमिश्नर ये लोगों की बैठक लेकर हिदायत दे सके? मुझे तो याद नहीं है, मैंने किसी समाचार पत्र में या किसी चैनल में सुना नहीं कि आज गृह मंत्री जी ने सबकी बैठक बुलाई और अपराध कंट्रोल, सारा कुछ हाउस से हो रहा है। तो खलबली तो है छत्तीसगढ़ में और वो कांग्रेस पार्टी में, छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री का पद है वो शायद ऐसी लोगों को बनाया जाता है जो चुपचाप बैठे रहे। आपके शासनकाल में भी राम सेवक पैकरा को मैंने देखा,
कोई पावर नहीं था उनके पास। शायद गृह मंत्री का पद ही छत्तीसगढ़ के लिए इसी प्रकार का है कि केवल एक स्टाम्प, रबर स्टाम्प के तौर पर आप बैठे रहे। बहरहाल मैं चर्चा कर रहा था नेता प्रतिपक्ष के बदलाव की। ये नहीं लगता आपको कि दोनों जो पद हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष आपने वैसे भी डिक्लेयर कर दिया है जैसा कि अजय चंद्राकर जी ने बताया अभी, दोनों ओबीसी समुदाय से हैं और अचानक दिल्ली जाना मतलब कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत खुद धर्मलाल कौशिक भी महसूस कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब की वो बाइट जो कल मैं सुन रहा था जो उन्होंने कहा कि बदलाव के संकेत हैं जो भी हैं ये ऊपर वाले तय करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो भी ये मानने को तैयार हैं कि इस पद में भी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लिस्ट बहुत लंबी, ब्रिजमोहन जी का ये कहना है कि उनके पास भी ऑफर है, शिवरतन शर्मा जी के पास भी कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन में आ चुके हैं, नारायण चंदेल का नाम बहुत तेजी से आ रहा है, सौरभ सिंह का नाम बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या 2023 की नई टीम तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई केदार जी? नहीं, निश्चित रूप से अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का बदलाव हुआ है तो आगे ये जो बदलाव है वो दिल्ली के निर्देश पर और हमारे जो केंद्रीय समिति है जो इसका निर्णय लेती है, हमारे संविधान में भी वही लिखा है, समय समय पर वो निर्णय लेती है और जैसे उनका मार्गदर्शन होता है काम करते हैं। अगर ऑफर की बात है तो हमारे यहाँ किसी का नेता को कोई ऑफर नहीं होता और कोई नेता ऑफर नहीं देता। हम लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और हमारी पार्टी में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है वो आप देखें कि बकायदा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को वहां आमंत्रित करता है, विचार विमर्श करता है, और एक बार नहीं, ये पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही है और जब फाइनल होना था तो सभी पक्षों को बुलाकर बैठकर बातचीत की। जैसा आप कह रहे हैं उनको तुरंत पहुंच जाना था, वो जब भी पहुंचे वो अभी पहुंचे, तो ये तो लोकतांत्रिक ढंग है, वहां से आदेश नहीं आ जाता, सबको समझा बुझाकर और एक साथ काम करने के लिए, क्योंकि सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाली ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें फिर से कहूंगा खलबली नहीं होती, इसमें व्यवहारिकता के साथ संवेदनशीलता के साथ काम होते हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसके अनुरूप जो निर्णय लेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेगा और 2023 में छत्तीसगढ़िया के साथ, छत्तीसगढ़ियों की सेवा के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और जनता की सेवा करेगी। और ये जो आवास योजना के 11 लाख मकान बने हैं वो तत्काल और उसी दिन लाभार्थियों को दिए जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी शुरुआत आपने करी थी छत्तीसगढ़िया गर्व की, छत्तीसगढ़ के गर्व की बात की थी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात की थी, तीजापुरा की बात की थी, हरेली की बात की थी। इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस सब चीजों का सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक बड़ी बात थी, रमन सिंह का बार बार ये आरोप लगाते हैं आप लोग कि वो बाहर के हैं, मुड़त जी के लिए कहते हैं बाहर के हैं, ब्रिजमोहन जी कहते हैं बाहर के हैं, लेकिन अब तो लोकल छत्तीसगढ़ी है अरुण साहब से ये लड़ाई तो आपकी कमजोर पड़ गई अभी से, मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि 2023 में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा चूंकि अब बन चुका है, निश्चित तौर पर चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्ड ढूंढ ली। सुरेंद्र जी, अब मुश्किल नहीं होगी 2023 के लिए? आदित्य जी, बात विश्वसनीयता की है, छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ चुकी है, देख भी रही है और 15 साल इनके कुशासन को भोगा है। सत्ता की चाशनी में भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट होने का केवल ढोंग करते रहे। जब 15 साल ये सरकार में थे तो वही रमन सिंह, वही ब्रिजमोहन अग्रवाल, वही अमर अग्रवाल, वही राजेश मूरत, इन्हीं के हाथ में, इन्हीं के इर्द गिर्द सत्ता घूमती रही। जहाँ स्थानीय नेताओं को अधिकार देने की बात आई, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हों, चाहे नंदकुमार साय हो, ननकी राम कंवर हो, लगातार उनके अधिकारों को, उनको, उनके उनके हक को मार के, और ये बात कर रहे थे स्थानीय नेताओं की ओबीसी की, तो इनको ओबीसी की याद तब आती है जब ये विपक्ष में होते हैं। आपको याद होगा आदित्य जी, जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय धर्मलाल कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद आदिवासी नेता के रूप में विक्रम उसेंडी जी को लाया गया, एक साल के भीतर उनको बदल के फिर विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनाया गया, फिर 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, नगरी निकाय चुनाव हुए, उसके हार का ठीकरा उन पर फोड़कर फिर अब अरुण साव जी को लाया गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, इनके यहाँ असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो शुरू से ही नहीं रही, जो निर्णय थोपने की परंपरा, जो अधिनायकवाद है, उसी का यह प्रमाण है। अभी केदार जी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास के संबंध में, पहले बोले 8 लाख मकान, उसके बाद 11 लाख का आंकड़ा आ गया। विधानसभा के लिखित जवाब में भार साधक मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्पष्ट रूप से कहा, जो विधानसभा के पोर्टल में है,
इसी तरह से झूठ और गलत बयानी के चलते ये अपनी हाँ मैं 3,08,000 सुन लीजिए वही बता रहा हूँ 3,08,000 मकान जो 2023 तक लक्ष्य था जिसको केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष खत्म होने से पहले राशि वापस ली और उस लक्ष्य को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। इसी प्रकार से गलत बयानी करके ये अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। लेकिन आदित्य जी ये लगातार ऐसे ही बोलते हैं और इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। सुन लीजिए विधानसभा का लिखित जवाब है जो पोर्टल में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया झूठ सुन लीजिए लिखा तो क्या वो झूठा है? सवा 3 साल का सुन लीजिए आप विषय पर रहिए आपके समय में नहीं बोला था। चुप कराइए जी ऐसे बात नहीं होगी। केदार जी टीएससी देव जी ने पत्र लिखा 8,00,000 मकान बाकी है। आप क्या बोलो उनको झूठ बोल रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप क्या जवाब नहीं दोगे? अगर आपके मंत्री ने लिखा है आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब कैसे नहीं दोगे? सुनिए देखिए जनता ने देखा है नेता घर लूट लिया प्रधानमंत्री आवास को कहते हो 30,00,000 सुरेंद्र जी जवाब ले लेता हूँ। अजय जी आखिरी मेरा सवाल था, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी मेरे पास। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जब हो रहा था मुझे बहुत अच्छे से याद है एकांत परिसर में किस तरह से चुनाव हुआ था। लगभग सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नाम के खिलाफ थे उस समय, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे भी अच्छे से याद है। लेकिन वीटो पावर यूज हुआ, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बने। अब क्या सरगर्मियां लग रही, क्या ये लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के बदलने से कोई नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में देख पाएंगे? देखिए सकारात्मक रूप से पार्टी सोचेगी कि उनको लगता है कि सिर्फ 3 सत्र में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई इम्पैक्ट कोई दूसरा व्यक्ति आता है छोड़ सकता है। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में अब उनके पास में समय कम है। लेकिन इस संगठन फेरबदल से एक बड़ी चीज और दिखाई दे रही है, बदलाव के संकेत तो एक दे दिए कम से कम। इस अरुण साहू जी के आने के बाद जो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है बिलासपुर संभाग में, खासतौर से जिस अलग अलग चुनाव के समय किसी पार्टी को बी टीम सी टीम कहा जाता था, उनके लिए एक स्ट्रगल का समय आ सकता है। क्योंकि बिलासपुर संभाग में बहुत बड़ी मात्रा में खासतौर से कोटा विधानसभा से बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली। जी बिल्कुल। तो देखिए 2023 का चुनाव नजदीक है, लेकिन जिस प्रकार से बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी था। सशक्त विपक्ष जरूरी है और निश्चित तौर पर 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपनी टीम तैयार कर रही है अब बेहद साफ नजर आ रहा है कि अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा 2023 के विधानसभा चुनाव का। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।